के इस वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो काफी स्पेशल रहेगा आप सभी छात्रों के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं लगातार देख रहा हूँ जो मत्स्य यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है वो लगातार कमेंट कर रहे हैं, यूजी के स्टूडेंट भी कमेंट कर रहे हैं और साथ में जो पीजी के स्टूडेंट है वो कमेंट कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो वो टेलीग्राम से पूछ रहे हैं कि सर जो यूजी के एग्जाम है हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, आपने बोला था कि एग्जाम के बीच में हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे या एग्जाम के बाद में स्टार्ट होंगे, तो वो हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए कि हमारे जो प्रैक्टिकल है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल फाइल बना भी ली है और अब हमारा जो एग्जाम है वो कंप्लीट होने के बाद में कब से हमारे जो प्रैक्टिकल है वो स्टार्ट हो सकते हैं। उसी के बाद में जो पीजी के स्टूडेंट है वो भी कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर आपने जैसे बोला था कि अब तक तो हमारा जो एग्जाम टाइम टेबल है वो जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक हमारा जो एग्जाम टाइम टेबल है वो नहीं आया, ना ही हमारी परीक्षा की डेट घोषित हुई है, ना ही हमें कोई ऐसा अपडेट मिल रहा है जिसके माध्यम से हम पता कर सके या हमें पता लग सके कि जो हमारे एग्जाम है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं। पूरी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो पर आप सभी छात्रों को मिलेगी विद क्लैरिफिकेशन, ठीक है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी छात्रों के लिए। अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए हो, अगर आप मत्स्य यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर मत्स्य यूनिवर्सिटी से आने वाली जितनी भी अपडेट है वो मैं लगातार अपडेट आपको शेयर करते रहता हूं, ठीक है। बाकी अगर आपको बैक ईयर के पेपर है या आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी सब्जेक्ट के आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं डालते भी रहता हूं और कुछ छात्रों के जो कमेंट है या जो भी उनका चैट रहता है वो वहीं से मैं उनको रिप्लाई कर देता हूं, ठीक है। अब उसी के बाद में बात करते हैं यहां पर यूजी के स्टूडेंट्स को लेकर, ठीक है। पीजी की मैं बात करूंगा, थोड़ा वेट करिए, पहले यूजी को लेकर मैं कन्फर्म कर देता हूं आप सभी छात्रों को। देखिए, जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था उसमें आप सभी को मैंने बताया था, क्योंकि आपको पता है कि 20 अप्रैल से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे थे और उससे कुछ यानी 3 या 4 दिन पहले मैंने आपको बता भी दिया था कि जो आपके प्रैक्टिकल है वो आपके एग्जाम के बीच में या आपके एग्जाम के बाद में आपके प्रैक्टिकल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और अब कन्फर्म हो चुका है कि आपके जो प्रैक्टिकल है वो आपके एग्जाम के बाद में ही होने वाले हैं, ठीक है। आपको एग्जाम तक वेट करना होगा कि जब आपका एग्जाम खत्म हो जाए उसी के बाद में आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले। एक मत्स्य यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो प्रैक्टिकल है वो एग्जाम के बाद में ले रही है, लेकिन अपवाद स्वरूप ऐसा भी हो सकता है बाय चांस कि आपके एग्जाम के बीच में भी आपके प्रैक्टिकल ले लिए जा सकते हैं, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी के नोटिस के ऊपर या यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नोटिस कब जारी करता है, क्योंकि नोटिस जारी करने में अब ज्यादा देरी नहीं है, कुछ ही दिनों का फासला है, जल्दी आपके लिए नोटिस जारी हो जाएगा आपके एग्जाम प्रैक्टिकल को लेकर। तो आप अपनी फाइल है उसको कंप्लीट रखना, क्योंकि प्रैक्टिकल की डेट कभी भी अनाउंस हो सकती है। आपको अपनी फाइल है उसको कंप्लीट रखना, क्योंकि प्रैक्टिकल की डेट अनाउंस होगी तो आपको प्रैक्टिकल की फाइल भी बनानी पड़ेगी, जिससे कि आपको ना तो आप उधर मतलब ना तो इधर के रह पाओगे ना उधर के रह पाओगे, क्योंकि आपको एग्जाम्स की तैयारी भी करनी होगी और प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी पड़ेगी, इसलिए पहले से उसको बनाकर कंप्लीट रखना कि जब भी आपके एग्जाम हो या आपके जो प्रैक्टिकल हो तो आप उसको सबमिट करवा सको। अब उसके बाद में जो पीजी के स्टूडेंट है उनको लेकर बात करते हैं, तो देखिए पीजी को लेकर मैंने क्लियर किया था लास्ट वीडियो में भी, मैंने क्लियर किया था कि जो आपके एग्जाम से रिलेटेड जो अपडेट आई थी लास्ट अपडेट आपके ई पेपर में आई थी और उस ई पेपर का स्क्रीनशॉट मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखा भी दिया होगा, क्योंकि अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हो, क्योंकि मैं विद प्रूफ आप सभी छात्रों को क्लियर करता हूं, तो वहां पर बोला जा रहा था कि जो मई का मंथ रहेगा यानी जैसे अभी अप्रैल चल रहा है, आज 26 अप्रैल हो गई, 26 से 27 अप्रैल हो गई, तो इसके बाद में जो नेक्स्ट मंथ रहेगा वो मई का रहेगा, तो मई के सेकंड वीक में बोला गया था कि सेकंड वीक में जो आपका एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर छात्र कमेंट कर रहे हैं कि सर अगर सेकंड वीक में हमारे एग्जाम स्टार्ट होंगे तो अब तक हमारा एग्जाम टाइम टेबल आ जाना चाहिए था, तो यही चीज यहाँ पर मैं क्लियर करने के लिए वीडियो बनाया हूँ। देखो, आपका जो एग्जाम स्टार्ट हुआ है यूजी का उसमें कितने दिन का फासला रहा था, आपको पता होगा कि टोटल 10 से 15 दिन का फासला रहा था, तो ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 दिन में आपका जो एग्जाम टाइम टेबल है वो जारी कर दिया जाए। अगर जारी नहीं होता है तो आपके एग्जाम 15 मई तक भी जा सकते हैं, ऐसी पूरी पूरी संभावना है। बाकी तो उन्होंने बोला है, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट मिलती है या तो परीक्षा नियंत्रक के द्वारा या कुलपति के द्वारा, तभी ही जो ई पेपर वाले हैं या जो न्यूज वाले हैं उस चीज को वहां पर छापते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खुद ही सोच लिए और खुद ही छाप दिए, क्योंकि आगे से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है जिन सूत्रों के माध्यम से उनको पता लगता है, क्योंकि वो सूत्र
या तो कुलपति रहता है या परीक्षा नियंत्रक रहता है, तो उनके माध्यम से उनको पता लगा होगा और उसी के आधार पर उन्होंने बता दिया होगा, क्योंकि जो परीक्षाओं की तैयारियां हैं तैयारियों के हिसाब से ही जो कुलपति है उन्होंने बताया होगा कि जो एम ए एम एस सी एम कॉम एम सी ए के जो प्रीवियस ईयर के या फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम मई के सेकेंड वीक में स्टार्ट हो सकते हैं। तो लगभग आप मान लीजिए कि मुझे जहाँ तक पता लग रहा है कि 10 या 15 मई के बीच में आपके जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे, और कुछ ही दिनों में ऐसा भी हो सकता है 1 मई तक भी आपका जो एग्जाम टाइम टेबल है वो आ सकता है। बाकी आपका एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई अपडेट रहेगी वो आपको मैं बता देता हूं कि एग्जाम से लगभग 3 या 4 दिन पहले आपका एग्जाम एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाता है। बाकी आपके कोई भी अपडेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। बाकी मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगा, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी छात्रों को दे रखा है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।